सो है क्या दिशी ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से हम लोग किस तरह से एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत सारा कमेंट हमको आया था जैसे हम लोग एयरटेल पेमेंट बैंक से किस तरह से एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गाइस जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आने के बाद आपको एयरटेल पेमेंट बैंक को सर्च कर लेना। चलो फाइनली मैं एयरटेल पेमेंट बैंक को सर्च कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं एयरटेल पेमेंट बैंक को सॉरी मर्चेंट में सर्च कर लिया, पहले बैंक में सर्च कर लेता हूँ। तो गाइस हम उसको बैंक एयरटेल बैंक डाल देता हूँ। तो गाइस फाइनली हमको बैंक का एप्लीकेशन आ गया। तो सो गाइस देखेंगे मैं फाइनली एक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हूँ। तो गाइस हमको अभी अपडेट का मांगा जा रही है क्योंकि इसमें एक नया अपडेट आया है, जो फाइनली आपको क्या क्या इस पर अपडेट भी मिलेगा पूरे मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा कि जो नया अपडेट जो कि 21 जनवरी का अपडेट जो नया आया है वो फिर आपको इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, जो कि आप लोग किस तरह से विड्रॉ भी कर सकते हैं मनी वो भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस फाइनली ये मैं अपडेट इसको कर दिया हूँ। अपडेट करने के बाद हमको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए फाइनली जैसे मैं ओपन पे क्लिक किया तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन है ये मेरा ओपन हो गया। तो गाइस सो गाइस जैसे मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन हो गया तो गाइस देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें गाइस आपको सबसे पहले एटीएम से मनी विड्रॉ करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको बैंक पे क्लिक कर देना है। चलो फाइनली मैं बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस जैसे आप बैंक पे क्लिक करेंगे तो गाइस देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें गाइस अगर आप सब यूपीआई से अगर आप चाहें किसी अपने दोस्त को या रिश्तेदार को अदरवाइज कहीं स्टोर पर आप करते हैं यूपीआई से ट्रांसफर, तो आप सबको कैशबैक मिलने वाला है, जो कि पूरे 250 रुपये का आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो गाइस देख पाएंगे आप सब। तो चलो सबसे पहले मैं आपको कैशबैक का दिखाता हूँ कि इधर आपको कितना कैशबैक मिलने वाला है। तो गाइस देखेंगे आपको इधर आपको दिख जाएगा 250 रुपये कैशबैक दिया गया है, रेफरल का एंड अर्निंग पे आपको टोटल 250 रुपये का आपको कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप सब पेटीएम या सॉरी एयरटेल पेमेंट बैंक अगर आप सब चालू नहीं किए अभी तक, तो आप सब हमारे रेफरल कोड से आप लोग नीचे में एप्लीकेशन का लिंक, तो आप सब उधर से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इधर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पूरे एयरटेल पेमेंट बैंक का। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का मनी हम लोग किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं वो भी एटीएम में जाकर, तो गाइस उसके लिए आपको देख पाएंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मोड का, तो फाइनली आपको मोड पे क्लिक कर देना है। चलो फाइनली मैं मोड पे क्लिक करता हूँ। गाइस जैसे आप मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ सेलेक्ट कर देना है। जब नीचे की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एटीएम विड्रॉ, तो फाइनली आपको इसी एप्लीकेशन यानी इसी इस पर क्लिक कर देना है फाइनली आपको एटीएम विड्रॉ पे। चलो फाइनली मैं एटीएम विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस आपको इधर एक याद रखना है, अगर आप खुद के लिए सेल्फ यानी यूज करना चाहते हैं आपको इस पर कर सकते हैं, अदरवाइज किसी मेंबर को यानी किसी दोस्त को किसी रिश्तेदार को आप सेंड करना चाहते हैं तो आपको सेंड मनी कार्डलेस विड्रॉप आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस चलो मैं सबसे पहले अपने सेल्फ के बारे में आपको बता देता हूँ किस सेल्फ में किस तरह से एटीएम से मनी विड्रॉ होता है। तो गाइस सबसे पहले आप कहीं भी एटीएम पर जाएंगे तो आपको सेलेक्ट एटीएम करना पड़ता है, जो कि आप नियर बाय आपको जो भी एटीएम रहेगा उस एटीएम को आपको शो यानी इधर हो जाएगा, तो आपको जो कि जीपीएस इसको ऑन करके रखिएगा आप। तो गाइस सबसे पहले चलो मैं सिलेक्ट एटीएम पे क्लिक करता हूँ। गाइस मैं फिलहाल एटीएम मेरे आजू बाजू में कहीं है नहीं, बट आप सबको नियर बाय कब दिखा दूँ। जैसे आप नियर बाय करेंगे तो आपकी जो भी रहेगा नियर बाय आपको एटीएम वो इधर आपको शो हो जाता है, बट अब मैं अभी एटीएम मेरे पास नियर बाय कहीं भी नहीं है, इसके लिए हमको इधर आप वेटिंग का हमको एक ऑप्शन आ गया, तो चलो मैं इसको पहले स्किप कर लेता हूँ। आपको जो भी रहेगा नियर बाय एटीएम इधर से आप सिलेक्ट पहले कर लीजिएगा, अगर नहीं भी सिलेक्ट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो गाइस सबसे पहले मनी विड्रॉ करने की बात कर लेते हैं। तो गाइस आपको फाइनली आप देखेंगे सेल्फ कार्डलेस विड्रॉ पर आपको क्लिक कर देना है। चलो फाइनली मैं कार्डलेस विड्रॉ पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस उसके बाद आपको कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है यानी कितना अमाउंट आपको एटीएम से निकालना है। एग्जांपल फॉर मैं इधर से 100 डाल देता हूँ। 100 डालने के बाद गाइस आपको ठीक है कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। चलो 100 निकालना है। जैसे आप 100 पे क्लिक कर दिए तो देखेंगे आपको इधर आप दिखाया जाएगा कि जो कि आपको कन्फ्रेंस फी यानी जो प्रोसेसिंग फीस का रहता है 0 रुपया लगने वाला है या कि 1 रुपया आपको चार्ज लगने वाला नहीं है। मनी विड्रॉ होने वाला है 100, टोटल है 100। उसके बाद आप गाइस इधर से कंफर्मेशन के लिए आपको कंफर्म कर देना है। चलो फाइनली मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको एक एम पिन जो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में रखे हैं वही एम पिन इधर आपको डालना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं अपना एम पिन जो है इधर से डाल देता हूँ। तो सो गाइस फाइनली मैं इधर एम पिन डाल दिया गया। जैसे मैं एम पिन डाला तो देखेंगे फिर से हम एक ऑप्शन आ गया प्रोसेसिंग पेमेंट का। तो गाइस देखेंगे कि तरह हमको बताया जा रहा है कि विजिट योर आईएमटी इनेबल एटीएम नियर बाय इंटर द ओटीपी सेंटर कोड। तो गाइस फाइनली आप देखेंगे हमको ऊपर में एक मैसेज आ चुका है एयरटेल पेमेंट बैंक के तरफ से कि हाँ आप सब 100 रुपया इधर से आप निकाल सकते हो, जो कि आपको नियर बाय जो भी आपका एटीएम रहेगा उस एटीएम में आपको जाना है। तो गाइस चलो सबसे पहले मैं इस मैसेज को पहले ओपन करके आपको दिखला देता हूँ।
सो गाइज आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा जिसमें गाइज देखेंगे आपको जो आप एम पिन डाले हैं आपका एम पिन वो हो गया। उसके बाद इधर देखेंगे आपको अमाउंट कितना है 100 रुपया, आपका कोड क्या हो गया 8191 आपका रहेगा जो भी रहेगा। मैं आपको बता दूँ कि हमको ये कोड आया है 8191। ये डालने के बाद आप गाइज देखेंगे इधर फाइनली इनेबल आपका हो चुका है और 100 रुपया यानी 27 जनवरी तक आप इस मनी को निकाल सकते हो, जो कि इसका टाइमिंग फिक्स रहता है। इसके अंदर आप ATM से मनी विड्रॉ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर से रिफंड हो जाएगा आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में, ये मनी रिफंड हो जाता है अगर आप 27 तारीख यानी जो भी डेट रहेगा आप जो जितने देर से निकाल रहेंगे वो डेट आपके फिक्स कर दिया जाता है कि उतना दिन के अंदर ही आपको ये पेमेंट विड्रॉ करना है ATM से जाके। अगर आप उस टाइम पे अगर विड्रॉ नहीं करते हैं ATM से मनी तो आपका क्या होगा, वो पैसा रिफंड हो जाएगा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो गाइस आप सब इस तरह से अपना OTP के जरिए अपना ATM से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप सब कमेंट करें कि आप ATM में जाके मनी विड्रॉ करके दिखलाइए तो मैं आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हाँ आप लोग इस तरह से ATM में जाके मनी विड्रॉ कर सकते हैं। बट मैं आप सबको एक सलाह दूंगा कि जब आप कोई भी ATM में जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे में एक ऑप्शन दिखा दे रहेगा जो एक लिखा रहता है कि ATM जो विड्रॉ फोन नंबर मनी, तो आपको फोन उसी मनी पे फोन नंबर पे आपको क्लिक कर देना है जिसमें आपको जो मोबाइल नंबर आप डाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक वो मोबाइल नंबर पहले डालना पड़ता है, उसके बाद आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, उसके बाद का एक OTP जो आपका आया है फिलहाल में ये OTP डालने के बाद आपको फाइनली आपको इंटर मार देना है। इंटर मारते ही आपका ये पेमेंट है आपके हैंड ओवर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का मनी विड्रॉ कर सकते हैं पूरे कैश टू कैश में, जो कि आपको 1 रुपया चार्ज भी लगने वाला नहीं है। कैसे आप सब इस तरह से अपना ATM में जाके अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आप इसकी वीडियो पसंद आया हो, जरूर वीडियो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।